तू चाहे चंचलता कह ले, तू चाहे दुर्बलता कह ले, दिल ने जो ही मजबूर किया, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। सारा मदिरालय घूम लिया, प्याले प्याले को चूम लिया, पर जब तूने घूंघट खोला, मैं पिए बिना ही झूम गया। तू चाहे पागलपन कह ले, तू चाहे पूजन कह ले, मंदिर के जब भी द्वार खुले, मैं तेरी अलख जला बैठा। मैं प्यासा घट पनघट का हूँ, जीवन भर दर दर भटका हूँ, कुछ की बाहों में अटका हूँ, कुछ की आँखों में खटका हूँ। तू चाहे पछतावा कह ले या मन का बहलावा कह ले, दुनिया ने जो भी दर्द दिया, मैं तेरा गीत बना बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। सदियों से बाकी था जो पूरा हुआ काम, ये राम जी को मिल गया राम जी का धाम जी। बलिदानी कार सेवकों को है प्रणाम जी, उनके माता पिता प्रेरकों को है प्रणाम जी। जो भी राम भक्त आया राम जी के काम जी, कोटि कोटि राम भक्तों का उन्हें प्रणाम जी। राम मंदिर निर्माण राम सेतु जैसा काम जी, हर एक ईंट पे लिखा है राम नाम जी। विश्वकर्मा शिल्पियों ने कलाएं बिखेर दी, पत्थरों पे राम जी की लीलाएं उकेर दी। रामलला बालक का अद्भुत स्वरूप है, अगुण अरूप ब्रह्म सगुण स्वरूप है। घट घट वासी अजय अविनाशी राम जी, हो गए अयोध्या वासी वन वासी राम जी, हो गए अयोध्या वासी वन वासी राम जी। अ यानी ब्रह्मा, या यानी विष्णु, और ध रुद्र को समेट कर बनने वाला शहर अयोध्या को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है। यहाँ भगवान विष्णु के सातवें अवतार श्री राम ने राजा दशरथ के घर जन्म लिया और वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना कर इसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। कई सालों से इंतजार कर रहे भक्तों की जब गिनती खत्म हुई और मंदिर के दर्शन हुए तो जोश और उत्साह इस तरह उमड़ आया जैसे राम दोबारा वनवास के बाद घर वापस आए हों। लेकिन जिनसे मिलने लोग दूर दराज से अयोध्या आए थे, आखिर वो राम है कौन? तो राम वही है जो चरित्र से बनते हैं, राम कोई नहीं है। और अगर आप राम को जानना चाहते हैं तो अपने अंदर आत्मा को देखेंगे, राम आपको खुद ही मिल जाएंगे। ये तो अपनी मानसिकता है कि राम को आप किस रूप में ढूंढना चाहते हैं। राम का नाम तो राम से बड़ा है, इसलिए उसका नारा लगता है। और राम क्या है जानना चाहते हैं तो अपने हृदय को जानिए, आपके मुख से जो सत्य निकले वो सत्य बोलिए, राम वही है। राम आपको हर पल मिल जाएंगे, हर क्षण मिल जाएंगे। और राम का नाम देख ढूंढना है तो यहाँ ईटे के रूप में यहाँ विराजमान है, आप राम का नाम देख लीजिए। और राम को जानना है अपने अंदर देख लीजिए, राम खुद ही मिल जाएंगे। राम कोई नहीं है, राम का विश्वास, राम का चरित्र ही राम है। एक भाई 5 फुट जमीन के नीचे सोता था, जिसको भरत कुंड के नाम से जानते हैं। खड़ा हूँ लेकर कि राम हमारे जमीन पर सोए होंगे तो भरत जो उनके भाई थे कि राम के बराबर हम ऐसे सो सकते हैं भैया, इसलिए 5 फुट आज भी जाके देखेंगे तो 5 फुट जमीन के नीचे उनका वो बना हुआ है कि हम अपने भाई के बराबर कैसे रह सकते हैं। तो ये सम्मान ही राम है। राम 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 को मत ढूंढो, हाँ राम तो नहीं है, एक हरा पत्ता हिल रहा है, राम तो वहाँ भी है यार। बकरे खोजना कीजिए, अंदर जाके खोजना कीजिए, आख्या में इसके अंदर जाके खोजना कीजिए कि राम कहाँ है। राम तो मिल जाएगा भगवान, एक जंगल में हरा हरा पत्ता हिल रहा है, राम वहाँ भी तो है, कहाँ नहीं है राम। उन्होंने तो कहा है कि मैं कहाँ नहीं मिलूँगा तेरे को, हर जगह में तेरे साथ। निराकार है, निर्गुण है, न उनको हाथ है, न गोर है, न मुंह है, न कान है, कुछ नहीं है, निराकार निर्गुण है, निराकार है। वही साकार बन करके, राम बन करके अवतार लिए, आतंक जो मचा रहा था रावण उसको नाश करने के लिए। वो हर जगह विराजमान है, कण कण में विराजमान है, उनसे खाली कहीं नहीं है। निराकार निर्गुण ब्रह्म है राम जो है,
समय समय पर आकर के शरीर धारण कर करके अवतार लेकर के जैसे अन्यायी को नाश करते हैं, इसलिए अवतार होता है। वानर सेना राम को ढूंढने तो निकल गई थी, पर ठंड बहुत थी और पेट खाली, तो हम कचौड़ी और सब्जी का लुत्फ उठाने जन्मभूमि से कुछ ही दूर ढाबे पर रुक गए। अयोध्या की खासियत है यहाँ का सात्विक भोजन, गर्मा गर्म तलती कचौड़ियाँ और मिट्टी के कुल्हड़ में परोसी गई छोले और आलू की सब्जी। और अभी मन ना भरा हो तो ये लीजिए, ताज़ी दही और गर्म जलेबी। प्रभु के घर में वाकई खाना गजब लगता है। अयोध्या में कोई भी भूखा नहीं सोता। यहाँ हर गली भंडारों से सजी थी, जहाँ पर रोज़ हजारों लोगों को खाना खिलाया जा रहा था। जवान और बूढ़े सभी मिलकर प्रेम से खाना बना रहे थे और बांट रहे थे, और चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। पूछने पर बस एक ही बात निकलती, ये हमारे राम के लिए है। पर अयोध्या का इतिहास उतना सरल कभी रहा नहीं। दावा किया जाता है कि बाबरी मस्जिद से पहले यहाँ राम मंदिर हुआ करता था। 1992 में यानी 1992 में हजारों कर सेवकों ने मस्जिद गिरा दी, जिसके बाद से मंदिर वहीं बनाएंगे के नारे बुलंद हुए। हमारी मुलाकात उस शख्स से हुई जो मस्जिद में उमड़ी भीड़ में शामिल थे और दंगे के पूरे मंजर को अपनी आंखों से देख रहे थे। ये बताते हैं कि इनका जन्म रामनवमी पर हुआ था, इसीलिए पिताजी ने इनका भी नाम राम रख दिया। उस वक्त इसकी आंदोलन 2 सालों में काफ़ी डेवलप हो गई थी, तब तो उसके बाद ये बाबरी मस्जिद टूटा। कार से चारों तरफ अयोध्या में आ गए थे, कर्फ्यू लगी थी 1 महीने की। उस समय लोग घर के अंदर ही बंद थे, लेकिन जब इसी आंदोलन हुई तो आम पब्लिक के साथ साथ यहाँ के निवासी भी उसके हौसले में दौड़े कि भाई इसको गिरना ही है, हमारी मंदिर बनना है। आस्था के साथ आस्था जग गई थी। उस 93 में लोग जानकारी हुई और 92 में एकदम पूरी तरीके आस्था जग चुकी थी लोगों की। जब आम पब्लिक जाने लगी तो हम लोगों भी चेष्टा हुई कि हमको भी जाना चाहिए। जब आप दूसरे प्रांत से आए हैं मंदिर उसके गिराने के लिए, तो हम क्यों नहीं जाएं? हमको भी जुलून पैदा हो गई, हमारे लोगों को पैदा हो गई, सब लोग भी गए वहाँ पर। उस समय मारपीट तो तगड़ी हुई, दंगा फसाद, मुसलमानों के घर को कह गया, सब कुछ हुआ। हिंदू भी मरे, हिंदू के भी मतलब क्षति पहुँचा, गोलियाँ चली, आंसू गैस की गोलियाँ चली गली में। इतना हम लोग परेशान हो गए थे उस समय कि कितने कार से मेरे हम लोग के घर में घुस गए लुकाने के लिए। गोलियां लगी, 2-3 आदमी वहाँ सामने मरे, एक गोली लगी तो यहाँ पे पहले नाली था, नाला उसमें मर गया। उसके बाद हम लोग खून खोल गया और घर में सभी लोग रोक रहे थे, लेकिन मैं घर के पीछे से भाग के गया। जाना है तो मुझे जाना है, पहले जा रहे थे बाहर से तो पिताजी ने रोका, छुटा जाओगे, ऐसा ऐसा भीड़ बहुत उमड़ी थी। तो हमारे मन में ऐसा जुलून होगा कि मैं जाऊँगा जरूर, चाहे चोट लग जाएगी, चाहे मर जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे, लेकिन मैं जाऊँगा वहाँ तक। तो घर के पीछे से मैं भाग के चला गया, हाँ गया जरूर। और थोड़ा नहीं लिया था हम लोग, रिक्शा घर से कोई औजार नहीं मिला था, जो हाथ में आए लेके चले, सरिया लेके चले, जैसे कि कोई मारपीट भी हो या कोई बहुत बात हो तो हम आंदोलन कर सके। औजार लेके नहीं गए थे, लेकिन ये गए कि गए थे वहाँ तक कि गिराएंगे तो कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगा। उस समय इतनी आंदोलन दिमाग में हो गई थी कि चाहे जो भी हो जाए किसी भी हालत में, लेकिन जाना ही जाना है। जब अन्य प्रांत के लोग आए, देश प्रदेश के लोग चले आ रहे हैं, जैसे इस वक्त माहौल है कि मैं जाऊंगा राम मंदिर जरूर दर्शन करूं, वैसे उसमें तोड़ने की चेष्टा थी कि वहाँ पहुँचेंगे जरूर। अरे वो डरावना माहौल की गोलियाँ चल रही, कोई चुटा रहा, कोई गिर रहा, कोई पुलिस रोक रही है, इधर से रोडवेज बस बैरिकेडिल तोड़ते हुए गया, 3 बैरिकेडिल तोड़ने के बाद चौथे पर रुक गया, बस बंद हो गई। लोगों जुलून थी कि मैं वहाँ पहुँचूँ जरूर किसी भी हालत में, ये जुलून थी। इसमें 2 व्यक्ति हमारे पास जो मोहल्ले थे, जब आंसू गैस गोला चल रहा था तो चाय पी रहे थे, चाय तब भी बेचते थे, चाट बेचते थे, तो वो लोग घर के अंदर छिप गए। तो जब तक माहौल 2-3 घंटा था तब तक, उसके बाद में एक घर चला गया। एक व्यक्ति हमारे घर के अंदर बिस्तर में लिपटा पड़ा रहा था, उसको 9 बजे रात को देखा हमने, क्या हुआ, कहीं गोली चल रही थी, हम लुका गए, वो भी मर गया, वो भी बहुत फेमस आदमी था। हर कहानी की तरह इस कहानी के भी 2 पहलू हैं। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राम जी ने हमें एक और शख्स से परिचय कराया जिनका घर दंगों में टूट गया था।
दोनों अब अच्छे दोस्त हैं। जब उनके पास गया तो उन्होंने अपना चेहरा दिखाना उचित नहीं समझा, बस अपनी आप बीती सुनाई, जो मुझे लगा कि एक बार आपको भी सुन लेना चाहिए। यहाँ पे कोई दुकानदार आता कहते हम गलत जगह चले आए हैं, लोग जो है यही सोचते हम अपने हिंदू भाई यहाँ खरीदें सौदा, अपने दुकान पे कैलेंडर भी नहीं टांग सकते, टांगेंगे तो ग्राहक नहीं आएगा, दाढ़ी रखा के मुस्लिम का बैठेंगे तो ग्राहक नहीं आएंगे, कहेंगे मुस्लिम के यहाँ क्या क्या देखना पड़ेगा। 90 में हमारे सबके सब दुकानें जला दी गईं, 92 में तो तोड़ फोड़ हुआ था, 92 में कितने मुसलमान इधर उधर के बेचारे जो बूढ़े थे नहीं भाग पाए, जला दिए गए, मार दिए गए, कब्र में लुकाए हुए थे दो दो दिन तीन तीन दिन। 92 में वही सब गिराने की वजह से अब उसमें किसने गोली चलाया, ये तो CRP थी, फोर्स थी, सब हर विभाग के थे, पुल पे चली थी तो लाल कोठी में चला था इधर हनुमानगढ़ी सामने, किसने चलाया कौन जाने, सब फोर्से थे, यहाँ पे कोई मुस्लिम तो उतना थे नहीं, सब घर छोड़ के आधे ज्यादा जा भी चुके थे, जो बुजुर्ग नहीं गए कि हम नहीं जाएंगे उनको तो उसी में जला दिया गया। देखिए इसमें तो जो कैसेडे बन गई हैं बहुत कुछ, रामलला हम आएंगे मंदिर में, तो भाई उनका धर्म अपना कहे हमें कोई बुरा नहीं लगता, अपने अपने धर्म के हिसाब से अच्छी बात है वो कहे, लेकिन जो ये कहते हैं कटुआ काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, ये सब तो एक गंदा शब्द तो है ही है भाई, आप अपना धर्म देखिए, हम अपना धर्म देख रहे हैं और हमें कोई आपत्ति थोड़ा, अपने अपने धर्म से सब मस्त रहें, अपने अपने कारोबार से मस्त रहें, अच्छी बात है। तो एक आज भी हम लोग यहाँ पे सुरक्षित, ऐसी बात नहीं है, आज भी हम लोग सुरक्षित है, लेकिन जब कोई बाहरी आता तो वो क्या जाने हमको, यहाँ के दो एक आदमी अपना सुंघा देते हैं ये फला है ये फला है, तो वो तो चले जाते हैं, हम आपका चेहरा भी नहीं जान पाएंगे किसने हमको क्या किया। और यहाँ के तो हम लोग शादी ब्याह और मरनी करनी में सब लोग एक साथ आते जाते हैं, वो हमारे मिट्टी में जाते हैं, हम उनके यहाँ मुर्दनी में जाते हैं, ये तो एकता है पुरानी गंगा जमनी का। अयोध्या आकर मुझे ये पता लगा कि राम को खोजना जितना मुश्किल है उतना ही सरल है उनको पाना। और कहां कहां भगवान का दर्शन कर सकते हैं, ब्रह्म ऋषियों के ब्रह्म ज्ञान में है राम जी, सिद्ध ऋषि मुनियों के ध्यान में है राम जी, सिद्ध ऋषि मुनियों के ध्यान में है राम जी, काम से रहित बलवान में है राम जी, अभिमान से रहित दान में है राम जी, अभिमान से रहित दान में है राम जी, धर्म में है राम जी तो कर्म में है राम जी, वेद शास्त्रों के मूल मर्म में है राम जी, वेद शास्त्रों के मूल मर्म में है राम जी, जनमानस में राम जी का ऐसा चित्र है, हर जाति संप्रदाय राम जी का मित्र है, हर जाति संप्रदाय राम जी का मित्र है, साधु संत विप्र धेनु धरती जब पुकारती, राम जी धरा पे आते धन्य होती भारती, राम जी धरा पे आते धन्य होती भारती, जय जय श्री राम, जय श्री राम।